राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अतिरिक्त उन्होंने कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन का भी उद्घाटन किया और साथ ही न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पुनर्विकास योजना की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने देश को 4 नई रेल योजनाएं भी इस अवसर पर समर्पित की, जिसमें बोईची से शक्तिगढ़ की तीसरी लाइन, डकुनी से चंदनपुर की चौथी रेल लाइन, नीम तीता से न्यू फरक्का डबल लाइन और अंबारी फलकाता से न्यू माया नगरी से गुमनी हाट डबलिंग प्रोजेक्ट शामिल रहे। इस अवसर पर हुए आयोजन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उपस्थित रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया और कहा कि आज ही वह दिन है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर भारतीय तिरंगा लहराया था। बंगाल की पुण्य धरती को, कोलकाता की ऐतिहासिक धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ, वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। आज 30 दिसंबर की तारीख का भी इतिहास में अपना बहुत महत्व है। 30 दिसंबर 1943 1943 नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूंका था। इस घटना के 75 वर्ष होने पर साल 2018 में मैं अंडमान गया था, नेताजी के नाम पर एक द्वीप का नामकरण भी किया था और अब इस समय देश आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी अमृत महोत्सव में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था। आज इसी में से एक हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन यहां कोलकाता से शुरू हुई है। आज ही रेलवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से जोका बिबिड़ी बाग मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। इसमें से जोका तरालता मेट्रो रूट बनकर तैयार हो गया है। इससे शहर के लोगों की ईज ऑफ लिविंग और बढ़ेगी। साथियों, कुछ देर बाद ही मुझे गंगा जी की स्वच्छता और पीने के पानी से जुड़ी अनेक परियोजनाएं पश्चिम बंगाल को सौंपने का अवसर मिलेगा। नमामि गंगे मिशन के तहत पश्चिम बंगाल में सिवरेज के 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इनमें से 11 प्रोजेक्ट पहले ही पूरे हो चुके हैं और 7 प्रोजेक्ट आज पूरे हो रहे हैं। आज 1,500 करोड़ की लागत से 5 नई परियोजनाओं पर काम भी शुरू हो रहा है। इसमें जो प्रमुख है वो है आदि गंगा नदी का पुनरुद्धार। मुझे बताया गया है कि अभी आदि गंगा नदी की स्थिति दुर्भाग्य से बहुत खराब है। इसमें जो कूड़ा कचरा गिरता है, सीवर का गंदा पानी गिरता है, उसकी सफाई के लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। देश में 100 से ज्यादा वॉटरवेज और विकसित किए जा रहे हैं। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश सरकार के सहयोग से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच वॉटरवे लिंक स्थापित करने पर भी काम किया है। साथियों, गुरुदेव टैगोर द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ओ ओमार देशेर माटी तोमार पौरे ठेकाई माथा, यानी हे मेरे देश की माटी, मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता हूं। आजादी के इस अमृत काल में मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए हमें मिलकर काम करना है। आज पूरी दुनिया
भारत को बहुत भरोसे से देख रही है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतीय को पूरी शक्ति लगा देनी है। हमें हर दिन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है, हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। देश सेवा के कार्यों में हमें रुकना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनेक परियोजनाओं के लिए बंगाल को बहुत बहुत बधाई देता हूं, फिर एक बार आपका अभिवादन करता हूं और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।